So hey guys, I am Ayan Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, in this video lecture we will learn about the integumentary system. मतलब इस वीडियो में हम लोग integumentary system के बारे में पढ़ेंगे. ये skin chapter का part third है, class 9th ICSE का chapter number 13 का part third है. हमने second video में discuss किया था functions of skin and the previous first video में discuss किया था हम लोग ने function of skin. मतलब कि उसमें स्किन क्या होती है और एक दो फंक्शन पढ़े थे. अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में. तो देखिए, एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में मेनली दो चीज़ होती है, स्किन और डेरिवेटिव को अगर हम लोग साथ साथ पढ़े तो एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आता है. स्किन तो हमने पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ गया, स्किन क्या होती है सब पढ़ लिया. हम लोग का जो बाकी क्या है, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में देखिए, डेरिवेटिव होते पाँच डेरिवेटिव होते स्किन के. हेयर फर्स्ट, सेकेंड नेल, थर्ड सीबेसियस, फोर्थ स्वेट ग्लैंड एंड फिफ्थ मेमोरी ग्लैंड. अब मैं भी इंट्रो दे रहा हूँ उसको, आपको बाद में डीपली पढ़ाऊंगा. एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फाइव मेमोरी ग्लैंड है, डेरिवेटिव फाइव है. तो फाइव पचवें नंबर का मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, नेल और हेयर. तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक. अब हम लोग स्किन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे गाइस? स्ट्रक्चर ऑफ स्किन. तो देखिए, इस स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है. मतलब एक दो पार्ट में, ए और बी. ए में है एक, अगर हम लोग बात करें जिसका नाम है स्किन प्रॉपर में हम लोग के दो पार्ट हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस. ओके गाइस, एपिडर्मिस और डर्मिस. और हम लोग अभी वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन. जो इसके पार्ट हैं वो हैं हेयर, नेल्स, मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और जो एक होता है स्वेट ग्लैंड. ओके गाइस, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. तो स्किन का स्ट्रक्चर होता है उसमें दो, मतलब वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहला स्किन प्रॉपर और सेकेंड दूसरा वाला होता है डेरिवेटिव ऑफ स्किन. स्किन प्रॉपर होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक दो लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस और डर्मिस. एपिडर्मिस की तीन लेयर होती है, कॉर्निफाइड, ग्रैनुलर और मैफीजियन और जर्मिनेटिव लेयर्स. अब हम लोग अगर डेरिवेटिव ऑफ स्किन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया हेयर, नेल्स और मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड. चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्किन प्रॉपर के बारे में. क्या डिस्कस करेंगे गाइस हम लोग? स्किन प्रॉपर. अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे स्किन प्रॉपर के बारे में. माइक्रोस्कोपली तो स्किन इज प्रॉपर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर. अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो स्किन दो लेयर से बनी हुई है. कौन सी दो लेयर से बनी हुई है? अभी मैंने आपको बताया एपिडर्मिस और डर्मिस से दो लेयर से बनी हुई है हमारी स्किन. जो आउटर लेयर है, मतलब जैसे मैं आपको एक स्किन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ. तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्किन का स्ट्रक्चर, तो जो ये वाली लेयर है, मतलब इतनी लेयर यहां से लेके यहां तक की जो लेयर है ये है डर्मिस, और जो ये लेयर बची इतनी, और ये है एपिडर्मिस. मतलब जो अपर आउटर लेयर है वो है हम लोग की, आउटर लेयर है जो हम लोग की एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर है वो कौन सी है? डर्मिस. तो स्किन के मेनली स्किन प्रॉपर के दो पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस. तो चलिए हम लोग फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द एपिडर्मिस. सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करें एपिडर्मिस के बारे में. एपिडर्मिस के बारे में देखा जाए, द एपिडर्मिस इज द आउटर थिनर पार्ट ऑफ द स्किन. मतलब स्किन का जो सबसे, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हम लोग जैसा इसको मैं उठा रहा हूँ, ये क्या हम लोग की स्किन है, एपिडर्मिस लेयर है. द एपिडर्मिस इज द आउटर थिनर पार्ट ऑफ द स्किन, इट इज द फॉर्म ऑफ. इसमें जो ये टिश्यू, स्किन किससे बने? टिश्यू से. तो इसमें जो टिश्यू लगे हैं, मतलब जिस टिश्यू से मिलकर बना है, उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. क्या नाम है उसका? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. तो जो अगर हम लोग द एपिडर्मिस लेयर हैज थ्री पार्ट.
मतलब जो एपिडर्मिस लेयर आप देख पा रहे हो अपनी स्किन पे, उसके 3 पार्ट है मेनली। कितने पार्ट है उसके? 3 पार्ट है। तो नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला हम लोग का आउटर मोस्ट, जो सबसे पहले आउटर मोस्ट कौन सी है? कॉर्निफाइड लेयर। आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर, मिडल, मिडल में जो लेयर है उसका नाम है ग्रैनुलर लेयर। ग्रैनुलर लेयर। और जो हम लोग की थर्ड, जो हम लोग की थर्ड इनर लेयर है, इनर लेयर, उसका नाम है मैफीजियन। एम मैफीजियन, एम देखिए एम ए एल पी एच आई जी आई एन, मैफीजियन लेयर। जो हम लोग की आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्निफाइड लेयर, जो मिडल लेयर है ग्रैनुलर लेयर, और जो इनर लेयर है उसका नाम है मैफीजियन लेयर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेयर के बारे में, जो है कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटम कॉर्नियम। मतलब कि इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए कॉर्निफाइड लेयर का, तो उसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो देखिए गाइस, उसका जो दूसरा नाम है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है कॉन्सिस्टिंग ऑफ सेवरल, मतलब बहुत सारे लेयर से मिलकर बने, कॉन्सिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर। अगर हम लोग को हम लोग इस जो आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग फाड़ के देखें, ऐसा आप करिएगा नहीं, अगर इसको हम लोग उठा के देखें तो नीचे हम लोग कौन सी लेयर मिलेगी? मिडल लेयर। तो देखिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉर्निफाइड लेयर को, हम लोग स्ट्रेटम लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं। दी सेल्स मेड अप ऑफ, ये जो सेल्स होती है, ये ध्यान की बात है, जो कॉर्निफाइड लेयर है, ये जो फाइब्रस फाइब्रस टिश्यू से बन के मिली होती है, जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग कहते हैं केराटिन। क्या कहते हैं गाइस? केराटिन। इसे आप याद करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। These cells, the cornified layer cells are found fibrous structural protein. ये जो है fibrous structural protein से मिलके बनी होती है, जिसका नाम है keratin. अब हम लोग, ये हम लोग की cornified stuff. अब देखिए, ये layer tough है ना, अगर हल्की सी होती तो हट जाती, ये tough layer है, तो इसका जो काम है वो क्या है? जो इसका काम है वो mechanical damage. हम लोग को mechanical damage से बचाती है, मतलब mechanical damage, जैसे आप, आपको किसी ने, आप यहाँ खड़े हैं, अब आपको किसी ने पत्थर मार दिया, तो जो स्किन है आपके ज़्यादा अंदर तक चोट ना लग पाए, इसीलिए ऊपर स्किन लगा होती है। हम लोग किससे बचाती है? मैकेनिकल डैमेज। और जो सेकंड फंक्शन है इसका वो है, अब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे आप बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग गम्स ना हो आपके, इसलिए जो हार्मफुल सब्सटेंस है आपकी स्किन आपको बचाती है, तो वो उसका सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड हो गया, जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, 70% वाटर है, तो उस वाटर को अंदर होल्ड कर रहती है, मतलब अंदर पकड़े रहती है, ताकि वाटर बाहर ना जा सके। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये आउटर मोस्ट लेयर समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिडल, मिडल लेयर। मिडल लेयर मतलब कि आउटर मोस्ट को हम निकालें, उसके बाद हम लोग की लेयर आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर को हम लोग, उसका नाम होता है ग्रैनुलर लेयर। और ग्रैनुलर लेयर मतलब उसके जो नाम होता है वो क्या होता है? ग्रैनुलर लेयर। इज वेरी थिन मिडल लेयर, मतलब वेरी थिन मिडल लेयर होती है, मतलब जो बीच में होती है बहुत मोटी लेयर होती है। मिडल लेयर इज वेरी थिन, मतलब ग्रैनुलर लेयर, ये पॉइंट बन गया आपका, ग्रैनुलर लेयर इज वेरी थिन, मतलब जो ग्रैनुलर लेयर होती है बहुत मोटी होती है। कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू और मोर थिन सब लेयर, मतलब दो और तीन से ज़्यादा सब लेयर से बनी होती है। ग्रेजुअली इट गिव्स, ये जो है मैंने जैसे अभी डिवाइड होंगी, जो नीचे सबसे जो लास्ट लेयर होती है मॉर्फीजियन लेयर, वो डिवाइड होकर ग्रैनुलर लेयर बनाती है, और ग्रैनुलर लेयर जो मॉर्फीजियन लेयर उसे पास कर देती है। जैसे आपकी, देखिए आपको किसी ने, देखिए आप, ये आपका हैंड है, रुक जाएगा, ये आपका हैंड है, मानिए यहाँ पे आपको किसी ने पत्थर मारे, तो आपकी स्किन स्किन छिल गई, मतलब आपको नीचे वाला दिखने लगेगा। तो जो सबसे नीचे लेयर होगी वो होगी मॉर्फीजियन लेयर। तो मॉर्फीजियन लेयर नीचे से स्किन बनाएगी, मतलब कि लेयर बनाएगी, उसे हम ग्रैनुलर लेयर में भेजेगी, और ग्रैनुलर लेयर ऊपर इसमें मिडल लेयर इसमें भेज देगा, इसमें कॉर्निफाइड लेयर में। तो ये आपकी क्या बनेगी? स्किन आपकी दोबारा वापस आ जाएगी। तो अब हम लोग की जो लास्ट लेयर है इस वीडियो में, जो हम लोग लास्ट लेयर पढ़ेंगे वो है मॉर्फीजियन, मॉर्फीजियन लेयर। कौन सी लेयर? मॉर्फीजियन लेयर। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जर्मिनेटिव, जर्मिनेटिव लेयर। तो देखिए, मॉर्फीजियन लेयर आल्सो कॉल्ड द जर्मिनेटिव लेयर, इट इज द इनर मोस्ट रीजन, मतलब जो एपिडर्मिस का इनर मोस्ट रीजन है, जो एपिडर्मिस लेयर उसका जो इनर मोस्ट रीजन है वो क्या है?
मॉर्फी जेल है। इट इसके सेल जो तुरंत डिवाइड होते इट्स इट्स सेल कैन एक्टिवली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो न्यू सेल जल्दी प्रोवाइड प्रोड्यूस कर लेते हैं विच प्रेस शिफ्ट एंड उसको ऊपर ग्रैनुलर लेयर पे पास कर देते हैं और ग्रैनुलर लेयर स्टेनम कॉर्नियम के पास पास कर देती है। अब देखें जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम काले हो यू आर ब्लैक यू आर वाइट तो वो किस लिए होता है, आप काले हो ब्लैक किस लिए होते हैं, वो जो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हम लोग ब्लैक और वाइट होते हैं उस सब्सटेंस का नाम है मेलानिन। क्या नाम है गाइस? उसका नाम है मेलानिन। कलरेशन ऑफ द स्किन इज द कॉम्प्लेक्सन ऑफ द फेस ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट। हम लोग की बॉडी में मेलानिन पिगमेंट होता है उसकी वजह से हम लोग की बॉडी वाइट और ब्लैक लेयर में ब्लैक कलर में होती है। यूरोपियन व्हाइटीज होते हैं वेस्टर्न इंडीज वाले ब्लैक कलर के होते हैं इसी तरह होते हैं। आई होप गाइस आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ल्यूकोडर्मा और एल्बिनिज़्म के बारे में। टेक केयर।